हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मीडिया शॉप वाले। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड, ठंड को ध्यान पे रखते हुए मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिल्कुल यूनिक एंड बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट। ये है पोर्टेबल हीटर। ये वाला जो हीटर है ना, ये सिर्फ आपके हाथ के साइज का है और इसमें कोई वायर्स वगैरह नहीं है। मतलब कि आपको इस हीटर को सिंपली सॉकेट में डालना है और ऑन कर देना है और आपका जो हीटर है वो काम करना शुरू कर देगा। सो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं इसकी अच्छी तरह से टेस्टिंग, जहाँ सबसे पहले करेंगे इसका अनबॉक्सिंग, देखेंगे इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है, ये काम कैसे करता है और इसका जो हीटिंग है वो कैसा है। एंड वीडियो के एंड में मैं अपना ओपिनियन जरूर शेयर करूंगा कि भैया काम का है भी या नहीं। और अगर आप इसको खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको इसका बैंक लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके लिंक पे क्लिक करके इसको अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस में खरीद सकते हो। सो वीडियो अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो ये रहा हमारे पोर्टेबल हीटर का बॉक्स। ये कुछ इस तरह के बॉक्स पैकेजिंग में हमारे पास आता है। अगर आप बॉक्स के ऊपर में देखोगे तो यहाँ पे पोर्टेबल हीटर यहाँ पे मेंशन करा हुआ, और ये रहा हमारे हीटर का पिक्चर। और यहाँ पे इस हीटर के सारे फंक्शंस को इन्होंने मेंशन करा हुआ, जैसे कि ये जो हीटर है 500 वाट का है। यहाँ पे आप टाइमर सेट कर सकते हो, ऑटो पावर ऑफ का ऑप्शन है, आप इसके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, टेम्परेचर को आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। तो सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है, हालांकि हम सारी चीजों को टेस्ट करने ही वाले हैं। तो चलिए अब जल्दी से हम बॉक्स को ओपन करके सबसे पहले जो हीटर है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो सारी चीजें हमने बॉक्स से बाहर निकाल ली है। जो सबसे पहली चीज आपको इस बॉक्स में मिलेगी वो है ये मैनुअल, जिसमें बताया गया है कि आपको इस हीटर को यूज कैसे करना है। लेकिन आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो भैया आपको इस मैनुअल का कोई जरूरत नहीं है। जो दूसरी चीज आपको इस बॉक्स में मिलेगी वो है ये रिमोट कंट्रोल। आप देख सकते हो जो रिमोट कंट्रोल है वो बहुत ही ज्यादा छोटा और बहुत ही ज्यादा क्यूट है। आप इस रिमोट से भी हीटर को कंट्रोल कर सकते हो, हालांकि हीटर में भी बटन्स दिए हुए हैं, आप डायरेक्टली वहां से भी ऑपरेट कर सकते हो और आप चाहो तो यहां से भी हीटर को ऑपरेट कर सकते हो। यहां पे इसका पावर बटन दिया हुआ है, टाइमर हो गया, टेम्परेचर अप का हो गया, माइनस का हो गया, स्पीड हो गया, तो सारे फंक्शंस यहां पे इन्होंने रिमोट में भी दिए हुए हैं। बस जो एक दुख है कि यहां पे इन्होंने कोई बैटरी नहीं दी है, तो बैटरी यहां पे आपको अपनी खुद से लेनी पड़ेगी इसको यूज करने के लिए। एंड फाइनली टाइम आता है हमारे हीटर का। तो आप देख सकते हो जो हमारा हीटर है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा एंड बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। अब सबसे पहले अगर हम इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे जो मटेरियल यूज किया गया है वो प्लास्टिक का है, लेकिन जो प्लास्टिक यहाँ पर है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और यहाँ पे फ्रंट में इन्होंने आयरन का ग्रिल दिया हुआ है, बिकॉज अगर यहाँ पे प्लास्टिक होता तो भैया वो हीट से पिघल ही जाता। अब सबसे पहले अगर हम इसे कंट्रोल्स को समझे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे चार बटन दिए हुए हैं। यहाँ पे ये जो बटन है ये पावर को बढ़ाने का है, मतलब कि टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए है, इसको टेम्परेचर को घटाने के लिए है, और इसी दोनों के थ्रू आपका जो हीट का फ्लो है वो भी कंट्रोल होगा, मतलब कि जो स्पीड है वो माइनस या प्लस होगा। और ये रहा हमारे टाइमर का बटन, जिसका यूज करके आप इसका टाइमर सेट कर सकते हो कि मतलब इतने देर के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। तो यहाँ पे इन्होंने इसका टाइमर बटन दिया हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने एक पावर बटन भी यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने एक और पावर बटन दिया हुआ है जो कि मेन पावर बटन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसी के थ्रू हमारा जो हीटर है वो ऑन ऑफ होगा। इसके अगर हम बैक साइड देखें तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे फैंस लगे हुए हैं, कैमरा में आपको दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन यहाँ पे पीछे से फैंस लगे हुए हैं जिसके थ्रू जो एक्स्ट्रा हीट है वो बैक साइड फेंकता जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका प्लग है जो कि सॉकेट के अंदर जाएगा हमारे। सो चलिए अब जल्दी से इसको हम इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके सारी चीजों को चेक कर लेते हैं। सो ये लीजिए, हमने यहाँ पे हीटर को सॉकेट में डाल दिया है। अब इसको स्विच को हम ऑन कर लेते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका जो मेन स्विच है वो हीटर के राइट साइड में है, तो इसको बटन को भी हम ऑन कर लेते हैं। जैसे ही आप इस बटन को ऑन करोगे यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू कलर की जो इंडिकेटर लाइट है वो ऑन हो चुकी है, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो पहुंच रहा है। अब हीटर को ऑन करने के लिए यहाँ पर भी एक पावर बटन दिया गया है, आपको इस पावर बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करोगे आपका जो हीटर है वो स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख भी सकते हो हमारा जो हीटर अभी चल रहा है वो 30 डिग्री के टेम्परेचर के हिसाब से चल रहा है। अगर आप टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करना चाहते हो तो वो भी आप बहुत ईजिली कर सकते हो। अगर आपको टेम्परेचर को घटाना है तो ये वाला जो बटन है आपको इसको प्रेस करना है। आप यहाँ पे इसको प्रेस करते जाओगे जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे आपको समझ लेना है कि जितना टेम्परेचर कम होता जाएगा उतना आपका हीटर कम हीट प्रोवाइड करेगा, जितना टेम्परेचर आपका ज़्यादा रहेगा उतना आपका हीटर जो है वो हीट ज़्यादा प्रोवाइड करेगा। इसका जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 15 डिग्री तक जाएगा, और मैक्सिमम की बात करें तो वो भी यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं 24-25। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है वो मैक्सिमम 32 तक जा रहा है, मिनिमम 15 डिग्री, मैक्सिमम 32 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे इतने टेम्परेचर पे आप इसको अप डाउन कर सकते हैं। आपको इस हीटर में स्पीड कंट्रोल का भी ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको दो स्पीड मोड मिलते हैं, लो एंड हाई का। तो अगर आपको अपने हीटर का जो स्पीड है वो लो करना है या फिर हाई करना है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। आपको क्या करना है, आपको इन दोनों बटन्स को साथ में प्रेस करना है, आपको ऐसे करके दोनों को साथ में प्रेस करना है। जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो हीटर है वो लो पे चला गया। अब अगर आपको इसका स्पीड का जो फ्लो है, मतलब कि जिसको अगर आपको फास्ट करना है तो वापस से आपको इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो हीटर है वो हाई मोड पे चल रहा है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो यहाँ पे
टाइमर भी सेट कर सकते हो। मान लो अगर आपने इसको रात को ऑन किया और आपको चाहिए कि भैया 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, तो यहाँ पे इन्होंने एक टाइमर का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको यहाँ पे प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी टाइमर 0 है, जैसे ही प्रेस करोगे 1 घंटा पे आ गया, मतलब कि 1 घंटे के बाद हीटर जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं 1 घंटे नहीं 2 घंटे बाद चाहिए तो वापस से प्रेस करो, 3 घंटा 4 घंटा, मतलब जितने भी घंटे पे आप चाहते हो कि आपका हीटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, आप इसको प्रेस करते रहो, जहाँ पे छोड़ोगे उतने देर बाद आपका जो हीटर है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अब इस पावर बटन का एक और यूज़ है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस वाले पावर बटन को अगर प्रेस करोगे ना तो आपका जो हीटर है वो ऑटोमेटिकली 1 मिनट बाद बंद हो जाएगा, और अगर आपको डायरेक्टली इंस्टेंट बंद करना है तो आप इस साइड वाले बटन को दबा करके भी इसको डायरेक्टली ऑफ कर सकते हो। तो चलिए अब मैं इस हीटर को थोड़ी देर यूज़ करके चेक कर लेता हूँ कि इसका जो हीटिंग है वो कैसा है, और उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता देता हूँ। तो 2 घंटे तक मैंने इसकी अच्छी तरह से टेस्टिंग करी है, अब फाइनली टाइम आता है रिजल्ट का। तो देखो, अगर आपका घर का जो कमरा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ऐसे सिचुएशन में ये आपके लिए किसी काम का नहीं होने वाला, बिकॉज साइज़ देख लो बहुत ही छोटा है, तो भैया बड़े कमरे को तो ये गर्म नहीं करने वाला है। लेकिन अगर आपका कमरा छोटा है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है, बिकॉज ये बिजली का भी बिल बहुत ही कम आएगा इसको यूज़ करने पर। एक चीज़ आप इसको एक तरह से और यूज़ कर सकते हो कि मान लो अगर आपका कमरा बड़ा भी है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन कैसे, मान लो अगर आप एक जगह बैठ के पढ़ रहे हो या फिर काम कर रहे हो या फिर बैठ के गपशप ही मार रहे हो, तो अगर आपका सॉकेट बगल में है तब आप उसको वहां पे लगा करके ऑन कर दो तो छोटे एरिया को ये गर्म कर देगा, लेकिन बड़ा अगर रूम है तो बड़े एरिया को ये पूरा तो गर्म नहीं कर पाएगा। एंड आप इसको एक तरह से और यूज़ कर सकते हो कि भैया ठंड में अगर आप बाहर से आते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है बाइक वगैरह चलाने के बाद, तो अगर आपको इंस्टेंटली अपने हाथ पैर को गर्म करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको सॉकेट में डाल दो और उसके सामने आप अपने हाथ पैर को आराम से रख के गर्म कर सकते हो, आपके हाथ पैर जो है वो इंस्टेंटली गर्म हो जाएंगे। तो भैया अगर हम शॉर्ट शॉट बोले तो अगर आपका कमरा बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आपके लिए काम का नहीं होगा, तभी काम का होगा जब बड़े कमरे में एक जगह बैठ करके आप इसको ऑन करोगे, और अगर आपका कमरा छोटा है तो आप इसको मस्त ऑन करके अपना पूरे रूम को गर्म कर सकते हो। तो ठंड के लिए तो भैया मैं आपको इसको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा। तो अब यहाँ पे अब आपको देखना है कि ये वाला हीटर आपके लिए काम का है या नहीं। अगर आप इस हीटर को खरीदना चाहते हो तो इस हीटर का बाइंग लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके लिंक पे क्लिक करके इसको अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस में खरीद सकते हो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी, वीडियो काम की रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप शॉपिंग।